हरबार कहते हैं कि जमीन में आसमान का साया नहीं होता तो भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाया नहीं होता। और आप सभी इस हॉल में अगर आए नहीं होते तो यशवीर चौधरी हमारे एलक्स परिवार के हमारे एमडी इतनी खूबसूरत प्लान बनाया नहीं होता। आज मैं रांची झारखंड से, जब मैं इस कंपनी के बारे प्लान देखा, मुझे डॉक्टर संदीप जी ने और कंपनी के एमडी यशवीर जी ने जिस सिस्टम के बारे बताया तो मैं बिल्कुल उस सिस्टम में जहां मैं काम करता था उस सिस्टम से अचानक एलेक्स परिवार में आने के लिए मुझे बहुत ही मंथन करना पड़ा। और आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, जिंदगी में बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना है ना तो बड़ा लक्ष्य भी निर्धारित करना पड़ेगा, उसके लिए सोच भी बड़ा रखना पड़ेगा और ऐसा मौका बार बार कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि हमारे बीच में भी धावर जी बता रहे थे कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है आपको कुछ बड़े अचीवमेंट के बारे भी सोच कर रखना पड़ेगा। और जहां मैं था वहां पे बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं ज्यादा प्राप्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं 4 साल वहां पे काम करने के बाद जिस महीना मैं एलेक्स परिवार में आया था उस सिस्टम में उस महीना भी वहां पे 3,28,000 मिला था। लेकिन उस चीज को छोड़ के अगर एलेक्स परिवार में आया तो कुछ लोग यही बोलते हैं कि या तो यह आदमी पागल है या तो बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। तो मैंने उस सिस्टम को छोड़ के यहाँ पे आया और मैंने सिस्टम का प्लान को देखा और मैंने एक ही चीज सोचा कि औसत बार बार नहीं देती। आदमी एक बार चूक सकता है, 2 बार चूक सकता है, लेकिन बार बार चूकेगा तो जिंदगी से आउट हो सकता है। मैं एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जीवन में लोग आउट हो सकता है। फर्स्ट वाला वीडियो हमारा दिखा ना। किस तरह से जीवन हमें बार बार मौका नहीं देती है। मैंने भी जब एलेक्स परिवार में आया, ये वीडियो है आप देखें कि कैसे एक बैट्समैन है, संजू सैमसन, बॉलिंग करता है, रन आउट, बच जाता है, फिर इधर से भी मारता है, बच जाता है, लेकिन तीसरी बार आउट। जब जिंदगी में कोई अवसर मिलता है और वो आदमी बिल्कुल लापरवाह रहता है तो बड़ा अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे जब ये अवसर मिला तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ा मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा बचपन से हॉस्पिटल बनाने का सपना है और एलेक्स परिवार से पूरा होगा। और इसीलिए मैंने चुका नहीं, मैंने जुलाई में इस एलेक्स परिवार में जब कदम रखा तो पहले ही महीना 1,02,000 का पेआउट आया, दूसरे महीना 1,85,000 का पेआउट आया और तीसरे महीना दुनिया सोच ही रही थी एलेक्स एलेक्स कि तीसरे महीना 4,25,000 का पेआउट आया। और कई लोग बोल ही रहे थे कि पारस पागल है, 14 महीना दुनिया को पागल बना दिया और एलेक्स को मानना पड़ा कि अब एलेक्स चलेगा नहीं, अभी तो दौड़ेगा। और 14 महीना जब पेआउट आया 4,57,000 का, तो दुनिया बस देखते रह गया। और ये इतिहास मैंने इसलिए किया क्योंकि बार बार अवसर देता है उसको लोग मिस करता है, वही व्यक्ति इतिहास नहीं बनाता, मैंने मिस नहीं किया, आउट होने से बचा और इसलिए आज यहाँ पे खड़ा हूँ। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि यशवीर जी ने जो प्लान लाया है, बस यही कहेंगे कि आप साथ दोगे यारो तो हवाओं का रुख बदल देंगे। जिस चेयर पे बैठे हो उसे एक छोटी सी फैसला लो यारो, तेरी जिंदगी का तकदीर यशवीर जी बदल देंगे।
बस एक सोच जो है ना उसे बड़ा करना होगा। हम लोग जो है घर से जब निकलते हैं इतनी छोटी सोच रहती है कि किसी तरह 20-25 हजार आ जाए। अरे 20-25 हजार कमाना है तो आजकल कूली वाले भी कमा लेते हैं। आप नेटवर्कर की पावर इतनी बड़ी है दोस्त, उसकी कभी अंत नहीं हो सकती। मैंने तो चैलेंज करके, मेरा जो टारगेट है, मैं तो एलेक्स का सिस्टम को जब मैंने देखा तो मैंने ये ठान लिया है कि एक साल के अंदर जब तक 20 लाख महीना का पे आउट में नहीं पहुंचूंगा तब तक दिन को और रात को भी ना किसी को मैं अपने टीम में सोने दूंगा ना मैं खुद सोऊंगा। और जब मैं घर से निकलता हूं तो मैंने ठान लिया है अभी इधर से जाऊंगा, 13 तारीख को पहुंचूंगा, 14 को मीटिंग है, फिर 15 को मीटिंग है, और 15 को मीटिंग करके रात को ट्रेन चढ़ूंगा, 16 को कलकत्ता में मीटिंग है, मीटिंग करके रात को फिर ट्रेन चढ़ेंगे, बिहार में मीटिंग है कटिहार में फिर मीटिंग करके रात को चढ़ेंगे, फिर खगड़िया में मीटिंग है, मीटिंग वहां करके फिर रात को ट्रेन चढ़ेंगे, फिर रांची में मीटिंग है, फिर रांची में मीटिंग करके रात को फिर गाड़ी दबाएंगे, उसके बाद बिहार में आपका शेरघाटी में मीटिंग है, फिर वहां से रात को मीटिंग करेंगे, फिर ये गया में जाएंगे, वहां से गया से फिर मीटिंग करके और अहमदाबाद में मीटिंग है, अहमदाबाद से फिर मीटिंग करेंगे, रातों रात फिर निकलेंगे धनबाद, धनबाद में 23 तारीख को मीटिंग है, फिर वहां से रातों रात गाड़ी दबा के निकलेंगे, 24 तारीख को फिर मीटिंग है। दिन को भी ना सोएंगे ना तेरे को रात को भी सोने देंगे। और जो व्यक्ति 20 लाख महीना का कमाने का सपना देखा है वो व्यक्ति 100 के लिए कमा सकता है। इसीलिए कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि अगर सपना देखना है तो दिन में देखो जो हकीकत में बदल सके। इसीलिए अगर एलेक्स में आए हो, अगर जीना है शान से तो जलवा अपनी बुलंद रख, रख सके तो हवाओं में भी एलेक्स का चर्चा को बुलंद रख, हर ख्वाब तेरी हकीकत में बदल सकता है, सिर्फ आंखों का सपना को बुलंद रख। और वही लोग ये चीज कर सकता है जो वाकई में जिंदा आंखों से सपना देख रहे हैं। नहीं तो यहां तो आप जब एलेक्स बिजनेस में आए हैं तो आप किसी कंपनी में होंगे तो दिन रात वो आपको तोड़ने के लिए और हर तरह का नेगेटिव बात बोला जा रहा होगा। अरे ये बंद हो जाएगा, ये भाग जाएगा, इतना सोचते रहेंगे तो सक्सेस कब होंगे मेरे दोस्त? इसलिए सब सोचने का फुर्सत नहीं है। ये सब सोचते रहोगे तो आपका समय गुजरते चला जाएगा। इसलिए ये सारे चीजें जो है सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना है तो भागना पड़ेगा, और उसके लिए किसी कंपनी से आए होंगे तो आपको रोकेगा, आपके मोहल्ला वाला वो आपको रोकेगा आपको, क्योंकि दुनिया में आप कहां जी रहे हैं? हिंदुस्तान। कहां पे है? हिंदुस्तान। जब से कबड्डी खेल हुआ है मेरे दोस्त तब से हिंदुस्तान कभी कबड्डी खेल में हारा नहीं, पता है? क्योंकि इस खेल में टांग खींच के विजेता को रोका जाता है। आप कैसे समझ लिए कि आप जीत जाएंगे? जिस मोहल्ला में रहते हो वो भी एक हिंदुस्तानी है, और जिस जगह पे आप काम बिजनेस को वो भी एक हिंदुस्तान कंपनी, एलेक्स हिंदुस्तानी कंपनी है। तो जब आप काम करने निकलेंगे तो आपको लोग पैर खींचेगा, जब आप काम पे निकलेंगे तो लोग आपको टोकेगा रोकेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कबड्डी खेल में जीतने वाले को टांग खींचा जाता है, और हिंदुस्तान इसलिए नहीं हारता है क्योंकि जीतने वाले का टांग को खींच के फेंक दिया जाएगा लेकिन जीतने नहीं दिया जाएगा। लेकिन शायद आप सभी को पता है इस बार का वर्ल्ड कप में ईरान से इंडिया हार गया, पता है कि नहीं? 18 साल बाद वर्ल्ड कप में कबड्डी में इंडिया हारा, क्योंकि अब एलेक्स जैसे वर्ल्ड कप जैसे बिजनेस आया। सोच बदल रही है, और आपको भी अपना सोच बदलना होगा, नहीं तो लोग जीने नहीं देगा। इसलिए आपके पास जो विश्वास है इसको विश्वास बनाए रखना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, नहीं तो आपको लास्ट उनका मकसद एक ही है
कि जब तक ये हारेगा नहीं, जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक इसको रोकेंगे और इसके लिए पैर आपको खींचते रहेगा। एक वीडियो आपको दिखाता है कि जंग जीतने वाले को कैसे रोका जाता है। सेकेंड वीडियो चलाना भाई साहब, साउंड भेजना थोड़ा। It's a very mean और nasty place, and I don't ये एक जीव है, it will beat you to your knees and इसको भी if you let it. एक जीव है you, me or nobody, जिसको अपनी जीवन प्यारा है, ऐसी आपको जीवन प्यारा है। But it ain't about how hard you hit. ये भी भागना चाहता है लेकिन ये भी परेशान है कि कुछ करे और चल, ये भी भागता है तो इसके पीछे पूरा दुनिया लगता है, एक ने पूरा संसार लग जाता है क्योंकि इसको चाहिए भोजन और ये भागता है जैसे आप इलेक्शन में भागना चालू करते हैं, खुद विश्वास करता है कि कुछ करना है लेकिन वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, नाम जैसा काम वैसे ही करना होगा, इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि अक्सर हवाओं की कसूर नहीं होती, अक्सर हवाओं की कसूर नहीं होती कि दीपक में दीपक बुझ जाए, अक्सर हवाओं की कसूर नहीं होती कि दीपक बुझ जाए, कभी कभी तेल भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए बुझ सकता है यानी अंदर देखने की जरूरत है। किस्मत हमेशा खराब नहीं हो सकता है, कंपनी हमेशा खराब नहीं हो सकता है, कभी कभी गलत हाथ लगने से भी किस्मत खराब हो सकता है। इसीलिए आप सभी को यही कहेंगे जाते जाते कि अक्सर हवाओं की कसूर नहीं होती कि दीपक बुझ जाए, कभी कभी तेल भी खत्म हो जाती है। उसी तरह ईश्वर जब आपको पैदा किया था तो मुट्ठी बांध के पैदा हुआ था, और जैसे ही धरती में आया और जब तू रोया तो हाथ बिखर गया था, और अब समेटने में लगे हो, जितना मेहनत करोगे उतना तेरे किस्मत में हाथ लगेगा। इसीलिए आज के बाद यही करना है कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा करना है, अपने कर्मों से अपना इतिहास पैदा करना है, मंजिल मांगने से नहीं मिलता मेरे दोस्त, हर कदम पर विश्वास पैदा करना। थैंक यू सुधर अलक्ष्मी।